हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका करंट अफेयर सीरीज़ में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इंडिया का ऑल टाइम ट्रेड डेफिसिट। ऑल टाइम हाई इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर हम सब लोगों को पता है कि जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं मिलती हैं। तो ये मानना पड़ता है कि कभी कभार इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें वही सामान बाहर से ख़रीदना पड़ता है। जैसे सपोज़ आज की तारीख में अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हो, तो वो आईफोन इंडिया में जो है वो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके आज भी ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। आज भी जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसका उत्पादन हमारी कंट्री में होता है, बट सिर्फ 10-15% जितने की हमें ज़रूरत है। अगर मुझे एक दिन में 100 लीटर कच्चे तेल की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ अपनी देश में इसको 10-15 लीटर ही प्रोडक्शन कर पाता हूँ। मतलब इंडिया का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इम्पोर्ट होता है, और उसमें सऊदी अरेबिया, रशिया, वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया जो है वो अपना क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है। तो जब मैं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करूँगा और मैं सपोज़ अपनी तरफ से भी कुछ सामान जो है वो बाहर के देशों में बेचूंगा, जो कि कुछ लोगों को इंडिया की सिल्क साड़ी बहुत पसंद आती है, इंडिया में केसर जो है वो बहुत बेचा जाता है बाहर के देशों में, इंडिया का एक शिलाजीत हब है, माउंटेन से जो है वो एक रॉक पीस निकाला जाता है शिलाजीत, इट इज़ कंसिडर्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस। तो एक बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वो उत्पादक है कि जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करी जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रेड डेफिसिट में होते हैं, तो इसका मतलब सामान हम कम बेच रहे हैं और बाहर से सामान जो है वो हम बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं, राइट? तो इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, लेकिन इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डालकर इसके बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर आगे जाकर बेचता है। तो आपको ये समझना है कि एक तरफ आयात है तो दूसरी तरफ निर्यात है, मतलब आवागमन सामान का पूरा चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसे रुपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, वैसे ही ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इसके क्या रीजंस हैं, वो आज हम आज की क्लास में समझेंगे। देखो, अभी तक की क्या स्टोरी है कि 2021 और 22 में इंडिया ने पहली बार $400 बिलियन का अपना टारगेट अचीव करा एक्सपोर्ट्स का, राइट? एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले क्वार्टर में मॉडरेट हुए, मई और जून में, जो 2022 और 23 का पहला क्वार्टर है। अब आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम जब एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्वार्टर वाइज भी करते हैं कि 2020 और 21 के पहले क्वार्टर में कितने एक्सपोर्ट हुए और 2021 और 22 के पहले क्वार्टर में कितने एक्सपोर्ट्स हुए, तो हम ऐसे जो है वो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि इंडिया का टारगेट था $400 बिलियन का, कि हम भाई इतना एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप चाइना के एक्सपोर्ट देखोगे, तो चाइना के एक्सपोर्ट 1800 से $2000 बिलियन तक के होते हैं। इंडिया में वही एक्सपोर्ट सिर्फ $400 बिलियन का पहली बार ये टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब इंडिया का $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव हुआ है, उसी टाइम पर हमारा इम्पोर्ट जो है वो 613 बिलियन पर पहुँच चुका है। पहले इम्पोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ $394 बिलियन के थे, लेकिन अब वो 613 बिलियन का पहुंच चुका है। मतलब क्या है कि पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में इतना बड़ा गैप है, ये हमें ज़्यादातर देखने को इसलिए मिल रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन की वॉर होने की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की GDP जो है वो लो होती जा रही है, इन्फ्लेशन वहाँ का बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के
के प्राइसेस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, कच्चे तेल के साथ में खाने के तेल जैसे हम एडिबल ऑयल सरसों का तेल हो गया या पाम ऑयल हो गया उसके दाम बढ़ गए, तो लोगों की जब जेबों पर भार पड़ने लगा पैंडेमिक का, रशिया यूक्रेन वॉर का, तो लोगों ने परचेजिंग जो है वो ओवरऑल कम कर दी और इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर हम और क्या देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इम्पोर्ट जम्प्ड फॉर द फिफ्थ मंथ इन अ रो। तो इम्पोर्ट में हम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ इम्पोर्ट में हम इतना सामान नहीं खरीद रहे हैं, रादर जो हम सामान खरीद रहे थे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जैसे कच्चा तेल पहले $98 का था एक बैरल, अब वही कच्चा तेल $115 पर बैरल हो गया, तो कच्चा तेल $17 से बढ़ गया। तो अगर मैं रोज़ के 10 बैरल भी खरीद रहा हूँ तो मेरा $170 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ट्रेड डेफिसिट हाई क्यों हो रहा है, लेकिन उसी समय पर इंडिया के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है सामान। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या एक्सपोर्ट होता है और इंडिया में क्या इम्पोर्ट होता है। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ आप नज़र आएगा आपको इम्पोर्ट के अंदर वो होता है क्रूड ऑयल, कोल, डायमंड, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये सारी ऐसी कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में सब्सटैंशली हमारे इम्पोर्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। अब क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, और हम बेचते क्या हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, हम कच्चे तेल को रिफाइन करके आगे उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आगे जाकर बेचते हैं। फिर हम बेचते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या है कि जब बोला जा रहा है कि बहुत सी डेवलप्ड इकोनॉमीज इस साल के एंड तक रिसेशन में आ जाएंगी, तो बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बहुत कम होती हुई हमें नज़र आई है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट में लेकिन उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, लेकिन बाकी रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इनकी डिमांड जो है वो हेल्दी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि लो स्किल एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, वो बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं, लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं। आपको यहाँ पर समझना क्या है कि इंडिया के इम्पोर्ट आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट जो हैं वो और कम हो सकते हैं। उसका कुछ रीज़न ये है कि हम जो है वो कोल बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और बाकी कुछ कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि इंडिया में तो इतने बड़े रिजर्व्स हैं कोल के, तो हम यहाँ पर कोल क्यों यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं? हम कोल इसलिए इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मानसून के आने की वजह से हमारी कोल माइन जो है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि कोल माइंस के अंदर पानी भर जाता है। तो जब कोल माइन के अंदर पानी भर जाएगा और डोमेस्टिक कोल सप्लाई क्रंच होने लगेगी, तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर से कोल को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली आज की तारीख में जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो लोगों का विश्वास जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर रह जाता है, एक होता है गवर्नमेंट का बॉन्ड और दूसरा होता है गोल्ड। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जितनी इतनी जल्दी से डिक्रीज नहीं होती है। आपको ये भी ध्यान होगा पैंडेमिक से पहले गोल्ड की वैल्यू 48,000 थी और जब पैंडेमिक पीक पे था तो वही गोल्ड जो है वो 58 से 60,000 पर भी पहुंच गया था, क्योंकि गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही थी मार्केट में, क्योंकि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन, क्योंकि वो एक तरीके से इन्फ्लेशन को बीट कर देता है जब गोल्ड में एप्रिसिएशन होता है। कोल का इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे 242% से बढ़ा, गोल्ड 170% से बढ़ा एंड क्रूड ऑयल भी हमारे 94% से बढ़े। तो क्रूड ऑयल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। बट जो नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड इम्पोर्ट हैं या कोर इम्पोर्ट हैं वो भी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, वेजिटेबल ऑयल, केमिकल। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द एडिबल ऑयल व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्ट्स। तो इंडिया बहुत
एडिबल ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट करता है मलेशिया इंडोनेशिया से। पाम ऑयल हमारे यहाँ पर बहुत भारी भरकम वैल्यू में इंपोर्ट करा जाता है। इसी के चलते हुए रिसेंटली 2021 के एंड में हमारे गवर्नमेंट ने पाम ऑयल की स्कीम भी निकाली थी कि हमारी ही कंट्री में पाम ऑयल उगाने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि पाम ऑयल हमारे ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। राइट, अब आपको ये भी चीज़ें समझनी है कि ट्रेड डेफिसिट आगे कैसे जो है वो चलने वाला है। तो बोला जा रहा है विद सेवरल डेवलप्ड इकोनॉमीज एक्सपेक्टेड टू फॉल इनटू रिसेशन ओवर दिस ईयर, द डिप इन द एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें एक डिप नज़र आया है, वो आगे और तेज़ी से बढ़ेगा अगले आने वाले महीनों में। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसको कैसे रोकने की कोशिश कर रही है, मतलब डॉलर आउटफ्लो को हम कैसे रोकेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर ड्यूटी लगाई। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कुड वीकन आउटबाउंड वॉल्यूम्स एंड वाइल इंडियंस एपेटाइट फॉर गोल्ड मे नॉट बी डेंटेड मच बाय द हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज लेविड बाय द सेंटर लास्ट वीक। मतलब इंडिया के लोगों को शायद ही हम रोक पाएंगे गोल्ड खरीदने से, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमारी कंट्री में कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज नज़र आता है इम्पोर्ट में। कोल भी जो है वो हमें थोड़ा बहुत करेक्शन नज़र आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून की वजह से कोल इंडिया का प्रोडक्शन स्लाइड होगा, कोल का भी इम्पोर्ट हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। सिमिलरली इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट आने वाले टाइम में रजिस्टर करेगा। बल्कि आप ये देखो कि इंडिया ही नहीं है जो खाली ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पर रजिस्टर कर रहा है, एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, जिसको हम सुपर एक्सपोर्टर मानते हैं पिछले 30 साल से, वो भी इस साल ट्रेड डेफिसिट में आई है। चाहे वो बहुत माइनर ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन सुपर एक्सपोर्टर कंट्री जैसी जर्मनी भी यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में आई है। इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में इंडिया को कुछ ऐसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे जहाँ पर डॉलर का आउटफ्लो कम हो और डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दैट क्या आपकी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। थैंक यू।